यीशुअल मसीह के मुबारक नाम में आप सबको मेरा सलाम। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अगापे ऑर्फन हाउस में। हमारे साथ हमारे जेकब जावेद साहब और रजाक भाई भी मौजूद हैं। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। और इस वक्त हम लोग इन बच्चों से स्पेशली मिलने आए हैं क्रिसमस, क्योंकि आपको पता है क्रिसमस आने वाला है, और उस हवाले से हम बच्चों से बात भी करेंगे और इनसे गीत भी सुनेंगे। ये देखिए कितने नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। बेटा आपका नाम क्या है? रेचल। रेचल, रेचल क्या करती हो आप? ठीक है। आपका नाम क्या भाई? लेक जिया। वेरी गुड। आपका नाम क्या है? अच्छा, आप में से कौन सा बच्चा है जो क्रिसमस का गीत सुनाएगा हमें? कौन सा बच्चा है? आ जाओ भाई, आप आ जाओ, आपने हाथ उठाया, आप आओ। कौन आप सुनाओगी? आपका नाम क्या है? जैसिका। जैसिका हमें गीत सुनाएंगी क्रिसमस के हवाले से। चले जैसिका, आप गीत सुनाए। Joy to the world, joy to the world, the Lord is come. Joy to the world, the Lord is come. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, joy to the world, the Lord is come. Very good, very good. अच्छा, इसी तरह हम आगे भी जाएंगे। ये बच्चा बहुत प्यारा है यार। खड़े हो, खड़े 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 ऊपर खड़े ऊपर खड़े ये। आपका नाम क्या है? एडन। हाँ? एडन। आप कौन सी क्लास में? आप कौन सी क्लास में? केजी में? नर्सरी में? नर्सरी में। अच्छा, 25 दिसंबर को क्या होता है? 25 दिसंबर को क्या होता है? वहाँ पे टीचर भी जानी होती हैं, वहाँ पे उनसे पढ़ता भी। हाँ, वेरी गुड यार। तो जीसस कब पैदा हुए थे? किसी को पता है जीसस कब पैदा हुए थे? जीसस की पिक्चर मैंने देखी है। अच्छा, पिक्चर देखी है, कब पैदा हुए थे जीसस? अच्छा, आप बताएं जीसस कब पैदा हुए थे? दिसंबर में। कुछ बताएंगी किस तरह आप लोग सेलिब्रेट करते हैं यहाँ और फैन हाउस में? क्या क्या किस तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, आप ये बताएं। हम सब गिफ्ट्स लेते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं सब, और बहुत सारे गीत गाते हैं, प्रेयर्स करते हैं सबके लिए, और बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। मेरे ड्रेसेस कैसे पहनते हैं, कैसे आप लोग केक खाते हैं, कैसे आप लोग कैरल्स वगैरह ये सारी चीज़ें, ऐसा होता है? हम अभी न्यू आए हैं। अच्छा, चलें, ठीक है, थैंक यू। टू एज हम आए हैं गाफा मिनिस्ट्री में, तो इन्होंने ईवा बेटी, उन्होंने बहुत अच्छा ये बच्चों के लिए एक छोटा सा वो बनाया हुआ है शेल्टर होम, तो काफ़ी बच्चे हैं इधर इनके पास। तो आज हम इन्हें के विज़िट के लिए आए थे, तो हमने कुछ बच्चों के व्यूज़ लिए हैं, तो अभी हम और भी इनसे बातचीत करते हैं, तो थोड़ी देर बाद और भी हम जो भी इनके ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, इनको चला रहे हैं, तो हम उनके भी व्यूज़ लेंगे सारे। और बहुत अच्छा इन्होंने एक बेड़ा उठाया हुआ अपने बच्चों के लिए, तो क्रिश्चियन बच्चों के लिए, तो आप लोगों को भी इसके लिए आना चाहिए और विज़िट करना चाहिए, ताकि इनके बच्चों की हौसला अफजाई हो और इस नेक काम में आप भी अपना क्या रिकायर मला सकते हैं। बहुत अच्छा इन्होंने, आज हमें बड़ी खुशी हुई है इन बच्चों से मिल के, और क्रिसमस के हवाले से हम आए हैं, तो फिर आएँगे और इनको करेंगे क्रिसमस इनके साथ सेलिब्रेशन करेंगे, फिर हम कुछ दिनों के बाद फिर आएँगे। हाँ जी सिस्टर, आपका नाम? मेरा नाम शकीला है, और मैं यहाँ से तकरीबन एक साल से ज़्यादा हो गया इन बच्चों के साथ मिलकर काम कर रही हूँ, और यहाँ पे बच्चों की बहुत अच्छी टेक केयर हो रही है, हम बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, अपने दिलो जान से दिन रात इनके लिए काम कर रहे हैं, और हमें सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि हमारी बेटी ईवा ने जो ये काम स्टार्ट किया है, ये बहुत अच्छा काम है कि हर कोई नहीं कर सकता,
ये खुदावन की ब्लेसिंग है उसके उसके लिए, और खुदा बाप उसको और ज़्यादा बरकत दे ताकि इस काम को आगे लेके जा सके। मैं एज ए पहले टीचर भी थी और अब मैं इनकी केयर टेकर भी। हाँ जी, तो ये देखिए ये जो एरिया है ये और जो बच्चों का है ये एवी रूम बना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे बच्चों को एवी क्लासेस दी जाती हैं, संडे स्कूल क्लासेस दी जाती हैं, प्लस ये देखिए ये यहाँ पे इनको म्यूज़िक क्लासेस भी दी जाती हैं। ये कीबोर्ड ज़रा दिखा दीजिए प्लीज़। यहाँ पे म्यूज़िक क्लासेस भी दी जाती हैं इन बच्चों को, और हमारे साथ यहाँ पर मिस सनोबर हैं जो कि यहाँ पर ऑर्फन हाउस में एज ए नर्स भी हैं, प्लस यहाँ पर केयर टेकर भी हैं। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से कि ये किस तरह अपनी खिदमात को जो है वो अंजाम देती हैं। जी मैम। जी मसीह में आप सबको सलाम। जी मैं यहाँ ऑर्फनेज में तकरीबन 2 साल से हूँ और इन बच्चों की खिदमत कर रही हूँ केयर टेकर के तौर पे, और ये खुदा की बड़ी ब्लेसिंग है कि खुदा ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं ऐसे बच्चों की खिदमत कर सकूँ। और बाकी ये है कि ये बच्चे बहुत ही प्यारे हैं, हमें सबसे प्यारे ये बच्चे हैं। थैंक यू जी। हाँ ये बच्चे हैं ये। अच्छा म्यूज़िक क्लासेस किस किसने लिए हैं, कौन कौन लेता है म्यूज़िक क्लासेस? गुड। क्या क्या सीखा आपने? आप बजा के दिखाएंगे? गिटार बजाते हैं? जी गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं जे न्यूज़ और मैं हारून के। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रज़ाक ताज साहब और हम लोग यहाँ पर अगापे ऑर्फन हाउस में मौजूद हैं कीमाबाद में, और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ रज़ाक ताज साहब जो कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के मनोटी विंग के सदर भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। तो मैं रज़ाक साहब से जो है उनका ज़ार ख्याल जानना चाहूँगा इस ऑर्फन हाउस के हवाले से। जी सर। पहले तो जी सबको मसीह यसु में सलाम, और मुझे आज ज़ाती तौर पे बड़ी खुशी हुई है कि मैं यहाँ आया हूँ। अगर हम आज के हालात देखें तो मेरा ख़्याल है कि अपने घर को चलाना बहुत मुश्किल है, और मैं समझता हूँ कि जो हमारी बेटी ईवा है या जो उनके साथ स्टाफ काम कर रहा है, मैं समझता हूँ कि आज के वो हमारे लिए फरिश्ते हैं। अपने घरों को छोड़ के और ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ दोस्ती और उनकी केयर करना, उनकी देखभाल करना, उनकी परवरिश करना आम आदमी के लिए तो बड़ा मुश्किल है। और यहाँ जो ख़ास तौर पे जो टीचर्स हैं म्यूज़िकल के पढ़ाने वाले, इनकी देखभाल करने वाले, इनको खाना खिलाने वाले, मैं समझता हूँ जो हमारे लिए बहुत फरिश्ते हैं। और ये जो केयर होम है मैं समझता हूँ ये हमारे लिए एक जन्नत गाह है, जो बहुत सारे बग़ैर रंगो नस्ल के, बग़ैर मज़हब के और हर तरह की सहूलतें फराहम कर रहे हैं। मैं जी बस ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं कहना चाहता कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और मैं ख़ास तौर पे ईवा एलवन को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआगो हूँ कि खुदावन्द यीशु मसीह इसी तरह उनकी खिदमत में उन्हें कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ हूँ आज इन बच्चों के साथ मिलके, इन टीचर्स के साथ मिलके, और मैं बिल्कुल मुबारकबाद देता हूँ हमारी जो बहन हैं ईवा, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है इन बच्चों के लिए, और हम उनके साथ हैं, शाना बशाना उनके साथ काम करेंगे। हमारी क्रिश्चियन नर्सिस एंड डेवलपमेंट फोरम भी इनके साथ है, हमारा फ्रेंड ऑफ कराची का जो पूरा ग्रुप है वो भी इनके साथ हैं, और मैं कराची के तमाम जो मसीह हमारे बहन भाई हैं उनसे भी ये गुजारिश करूँगा कि ऐसे बच्चों के साथ अपना जो है टाइम निकाल के उनके साथ वक्त गुजारा करें, उनकी देखा करें कि उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी क्या है, और उनमें जो है उनके साथ जो है थोड़ा थोड़ा अपना पार्टिसिपेट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं इस नए काम पर। उन्होंने बहुत अच्छा ये हमारी क्रिश्चियन कौम का बेड़ा उठाया है। ऐसी तमाम बेटियों से भी गुजारिश है जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में हैं हमारी, तो लेकिन वो दूसरे कामों में मसरूफ़ है, तो ऐसे कामों को भी बच्चों को जो ऐसे उन्होंने ईवा ने शुरू किया हुआ है, तो तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी से हमारी अपील है कि वो भी ऐसे उनके साथ मिलके या ऐसे जो काम जो नेकी के काम है वो करें, ना कि दूसरे काम।
तो हम इसको इस आज हम आए इसकी कवरेज के लिए जे टीम की तरफ से, तो मैं उनको अपनी टीम की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये डिफेंस फेस टू में F-32 है, तो कोई और भी बहन भाई अगर यहाँ का विजिट करेगा तो इनको बड़ा अच्छा लगेगा, बच्चों से आके मिले और अपना थोड़ा टाइम निकाले और टाइम स्पेंड करें। हम फिर भी आएंगे इनके लिए जो भी हमारे से हो सकता है, तो क्रिसमस पे जैसे क्रिसमस आएगी तो हम इन बच्चों को सेलिब्रेशन करने के लिए इसके साथ आएंगे, हमारी पूरी टीम आएगी और उन साहब ये सारे हमारे जो यार दोस्त हैं तो वो बच्चों के साथ मिलने के लिए आएंगे। तमाम बच्चों को बहुत बहुत शुक्रिया।